Okay, so let's start our today's class. Our today's topic is successor and predecessor. Already you people have done, right? Yes, already we have done successor and predecessor in second class also. Start hum karenge some basic topics, uske baad hum usse aage carry forward karenge, theek hai? So let's start the topic successor with its definition. So who will tell me the definition of successor by writing in the chat box? Chat box mein likh ke successor. सक्सेसर मीन्स सक्सेस होना, सिंपल लैंग्वेज में मतलब आगे बढ़ना, क्योंकि अभी आप सेकंड से थर्ड क्लास में आए हो ना, आप सक्सेस होके आए हो ना, मतलब आप सेकंड से थर्ड में आ गए, ठीक है? सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट डज सक्सेसर मीन? वेट कर रही हूं मैं, कोई बात नहीं. प्लस वन, प्लस ओनली प्लस लिखा है. So Sameer Saini, IT with yes, plus one, good. Means when we add one to the given number, ठीक है? तो मैं definition नहीं लिख रही, मैं सिर्फ verbally बोल रही हूँ. When we add one to the given number, so that number will be its successor. अभी मैंने जैसे simple language आपको simple language में समझा दिया, पहले आप second में थे, अब आप third में हो, means आप success होके आए हो ना, एक क्लास आगे आए, राइट? सो सक्सेसर मींस दैट वन. किसी ने अभी चैट बॉक्स में माइनस वन लिखा, राज कवल, बच्चे प्लस वन. और आईडी विद शान भी आपने लिखा है ग्रेटर देन वन. नो ग्रेटर देन वन. जब कोई भी नंबर हो हमारे पास गिवन, एंड व्हेन वी ऐड वन टू द गिवन नंबर, दैट नंबर विल बी इट्स सक्सेसर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम. मेरे साथ आपने लिखना है अपनी रफ और जो भी आपकी क्लास वर्क है. राइट द सक्सेसर ऑफ ए बार. फर्स्ट वन इज 3589. आपने करना है, बहुत इजी है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है ना? आपने ही करना है. So write the successor of 3589. ID with Navya and Sunny. Already आपने chat box में लिख दिया, very good. अब आप notebook पे लिखो with proper heading. जैसे मैंने proper heading डाला है ना, that write the successor of this. आपने भी proper heading डाली. करो. क्योंकि chat box में तो easily आप answer लिख दोगे. But I want from you to complete notebooks also. ठीक है, तो अगर आपने शो करना है तो हम शो भी कर सकते हैं दैट वी हैव एडेड वन. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम ऐसे लिखें कि इट्स सक्सेसर इज 3589 + 1 = 3590. बहुत सिंपल. और अगर आपने साथ में एडिशन भी शो करनी है, नो प्रॉब्लम, इट्स फॉर योर कन्वीनियंस. ओके, सिंपल भी लिख सकते हैं, सक्सेसर इज या सक्सेसर इज दिस. अगर डायरेक्ट भी लिख लोगे, वन मार्क का हुआ तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे. ओके, साथ साथ में कंप्लीट करो, आपको टाइम दे रही हूं मैं. जब तक मैं बी पार्ट लिखती हूँ इसका, बी पार्ट इज 4999. बहुत सिंपल है ना, वन ऐड करना है आपने एंड यू विल गेट. लेट्स सी हु विल राइट फर्स्ट. यस 5000. समीर, जसराज, गुड. अगर आप चैट बॉक्स में लिखने की वजह से नोटबुक पे धीरे लिख पा रहे हो तो नो नीड टू राइट इन द चैट बॉक्स. बट आप अपनी मेन है कि आपको आना चाहिए, चाहे चैट बॉक्स के थ्रू चाहे नोटबुक पे लिखने पे. बस नोटबुक पे ये होगा दैट प्रॉपर रिकॉर्ड होगा हमारे पास, ठीक है? आवर मेन मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये नहीं कि दोनों जगह लिखना है और उन दोनों जगह से लिखने की वजह से आपका कुछ रह रहा हो,
ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है। सो अगेन सेम यही चीज यहां पे होगी, सक्सेसर इज इक्वल्स टू 4999 प्लस 1, वी विल गेट 5000। सिंपल, सिर्फ 1 को ऐड किया है। तो ऐसे आपको कोई भी अगर नंबर आ जाए, बिल्कुल भी आपने सोचना तो है ही नहीं, है ना, सिंपल सा तो है, 1 ऐड करना है, हो गया, बाकी सारा इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, ठीक है। चलो 1 मिनट दे रही हूँ, ये फर्स्ट सम को कंप्लीट कर लो, इसमें मैं नहीं बोल रही बीच में, 1 मिनट दे रही हूँ, किसका रह गया हो या कुछ भी, या टैली कर लो, कंप्लीट फर्स्ट सम एंड इट हैज 2 पार्ट्स। चलो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट सक्सेसर के बाद क्या आएगा, प्रीडिसेसर, राइट। प्री मींस आपसे पूछती हूँ, चलो पहले इसे कंप्लीट कर लो, शैल आई रेज दिस, सिर्फ अगर किसी का रह गया है वो चैट बॉक्स में लिखें कि नहीं हुआ या यू नीड टाइम, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रेज। यस, ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, तब तक आप स्टेटमेंट लिखो, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, वो बाद में, पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन्स प्री, प्री मीन्स एक पीछे, ठीक है, सक्सेस मीन्स एक आगे, जैसे आप सेकंड से सक्सेस हो गए थर्ड में आए हो, है ना, लेकिन बाय चांस अगर कोई बच्चा सेकंड से सक्सेस नहीं हुआ हो, है ना, वो सेकंड से कहाँ पे जाएगा, कौन सी क्लास में जाएगा, या अगर हम बोलें कि सेकंड क्लास से पहले आपकी प्री क्लास कौन सी थी, तो कौन सी थी, फर्स्ट क्लास, राइट, मीन्स माइनस 1, दैट व्हेन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें से 1 को सबट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट इट्स प्रीडिसेसर। क्लियर, सिंपल ना। चल, ए पार्ट है 1000, सिंपल 1000 ए पार्ट, बच्चे व्हाई यू आर राइटिंग नो 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 इन द चैट बॉक्स, नव्या योर सम आपका अभी रॉन्ग हो गया, आपने लिखा है 1001, सक्सेसर नहीं करना था, प्रीडिसेसर करना था। पूर्णिमा मैम, राजकवल हैज रेज्ड हैंड। यस मैम, राजकवल हैज रेज्ड हैंड, आई विल जस्ट अनम्यूट हिम। ओके मैम, राजकवल अनम्यूट कीजिए बेटे अगर। यस बच्चे, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हो अभी, लेकिन आप थोड़े से बिग हो गए हो, तो अगर मैंने इसके बाद जो सम करवाने हैं ना, आज हमारा जो थर्ड और फोर्थ सम है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाना, इसलिए मैंने इसी सम से स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बोला तो था डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंड हो आपको, इसलिए मैं पूरा लिख रही थी। ये हम डायरेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला इट्स कम्प्लीटली योर विश, शो करना है या नहीं करना है। चलो, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 1000, अगर आप साइड पे 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, वेरी गुड, दोज हु आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स, 999। सो सीधा ही फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1000 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 999, सिंपल। ओके हर्षित, आई एम वेटिंग, करो अनद्री जपन ज्योत समरी, गुड एवरीवन, सबका आंसर राइट है, 1000 का प्रीडिसेसर है 999। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर किसी का कोई भी सम रह जाता है, आपको पता है लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया था,
क्लास वर्क भी आपको ग्रुप में आता है ना, क्लास वर्क की इमेज भी आपको आती है, वो आप सबके लिए इसीलिए है, अगर आपका कुछ रह जाए, कोई सम रह जाए तो आप वहां से देख सकते हो, सिंपल। ठीक है, किसी का रह जाए तो डोंट गेट पैनिक, वो स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 6270। सिंपल है ये भी, 6270 माइनस 1, तो व्हाट यू विल गेट, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, मैं वही लिखूंगी, नव्या 6269। यस रिधिमा बच्चे, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू आस्क, 6269, सिंपल। और ये आपका सेकंड सम भी हो गया कंप्लीट। प्रियंका आपका रॉन्ग हो गया, आपने 79 लिख दिया, 69 आना बच्चे, सो कंप्लीट इट, कंप्लीट कर लो नोटबुक पे। So our successor and predecessor, ये वो टॉपिक था जो ऑलरेडी वी हैव डन इन सेकंड क्लास आल्सो, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस प्लस वन करना है इन सक्सेसर एंड माइनस वन इन प्रीडिसेसर, राइट, कोई भी नंबर आ जाए, इट्स वेरी इजी। ओके रिद्धिमा इज सेइंग फोन्स बैटरी इज लो मैम, देन बच्चे गेट योर फोन चार्ज्ड, चार्जर पे लगाओ और साथ में वर्क करो। ओके सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, बाय चांस कोई लैग कर रहा हो, किसी का रह जाए तो प्लीज चेक द वर्कशीट। ओके नेक्स्ट इज थर्ड सम, पहले मैं लिख, सबसे पहले थर्ड सम करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको आता है उसका आंसर देन राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, बोलना नहीं है आपने, व्हाट इफ आई आस्क दैट what is the greatest one digit number, कौन सा number greatest one digit number है, greatest one digit number कौन सा होगा, मतलब one digit हो और greatest हो, राघव एक वीर मन्नत, very good, दिविजा wrong हो गया, आपने लिख दिया 1000, yes very good, greatest one digit number is 9, बस ध्यान से सुनना, पहले हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हमारे पास टू सम्स हैं। ठीक है, चलो अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5-5 सेकंड मिलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है, शिवांग रॉन्ग हो गया, यस सनी, शानवी एक भी रॉन्ग हो गया बच्चे, नव्या रॉन्ग हो गया, 10, रवनीत रॉन्ग हो गया, 01 लिख रहे हो, 01 नहीं हम लिखते, यस 10। ठीक है, क्योंकि 10 से हमारे टू डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं तो ये सबसे स्मॉल है, क्लियर, सबसे बिगेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9 एंड सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। आगे चले, ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, greatest two digit number, greatest two digit number, okay Raghav, Karin, yes, एक ने 20 लिखा, धनकौर wrong हो गया बच्चे, सिया wrong हो गया, जशदीप wrong, और जिनका name मैं नहीं ले रही हूँ वो right है, 99, greatest two digit number, very good, okay next, थोड़ा सा और big चलते हैं, greatest four digit number, greatest four digit number, yes Udaybir, अभी अगेन नव्या, या तो आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आपके रॉन्ग आ रहे हैं, आपने अगेन 1000 लिख दिया, मैंने बोला greatest, ये 9000 भी आया किसी का, परनीत रॉन्ग है,
क्योंकि 9999 ग्रेटेस्ट फोर डिजिट है, क्योंकि 99 ये हो गया ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा वो बन जाएगा 10,000, वो 5 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है. अब इसी रिगार्डिंग जो हमने ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, इसी रिगार्डिंग हमारे पास अब सम्स है. पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फिर हम करते हैं. मेरे साथ लिखना आपने भी, राइट द सक्सेसर ऑफ, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. आई होप थोड़ा सा आपको समझ आपको कि आपने करना क्या है, ठीक है. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना क्योंकि इसके पूरे स्टेप्स होंगे. इसी वजह से मैंने वो पहले दो सम्स भी ऐसे करवाए थे कि मैं लाइन वाइज कराऊं, ठीक है. आपका सम है राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. आपने सक्सेसर लिखना है, पता है किसका, जो सबसे बिग थ्री डिजिट नंबर है. सो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज. अब आप मुझे बताओगे द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, राइट इन द चैट बॉक्स ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. शायद अगर मैं पहले पूछ भी चुकी हूं लेकिन ये अब सम के अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, यस 999. सेमी अगेन बच्चे आपका रॉन्ग हो गया, आपने लिख दिया फिर 1000 बच्चे फोर डिजिट का होता है 999. यस तो आप लिखोगे द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, ठीक है. पहले हमने ये लाइन लिख दी और अब हमने करना क्या है, हमने सक्सेसर फाइंड आउट करना है इसी का. मैम हैव वी राइट इट ऑन द नोटबुक, यस बच्चे दिस इज योर सम फ्रॉम द सिलेबस फ्रॉम योर नोट बुक. ये किसी एक्सरसाइज में नहीं है, आपको ये सम बुक की बैक एक्सरसाइज में मिलेगा बट विद नो सॉल्यूशन. तो आपने ये करना है, ओके ये किसी एक्सरसाइज में नहीं है, बिल्कुल करना. सो द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, हमने इसका सक्सेसर देना है. फिर आप लिखोगे इट्स सक्सेसर, शॉर्ट में हम कंप्लीट कर देंगे. या हम ये भी लिख सकते हैं सक्सेसर ऑफ 999, बट हमने इजी वे में लिख लिया इट्स सक्सेसर, दैट इज 999 प्लस 1. सो 999 में जब हम 1 ऐड करते हैं व्हाट वी विल गेट क्विकली, क्या मिलेगा हमें 999 में, जल्दी जल्दी जिसका फर्स्ट आंसर आएगा मैं तब भी लिखूंगी. यस नव्या समीर, यस आस्क 1000. और इसके बाद आप आंसर दोबारा लिखोगे दैट इज 1000. ये होगा हमारा कंप्लीट वे में. अगर ये ऑब्वियसली ऐसे वाला सम 2 मार्क्स में आया ना बच्चे, और अगर आपने इसका आंसर सीधा ही 1000 लिख दिया तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है. लेकिन हमें ये है कि पूरे स्टेप्स पता होने चाहिए. अगर तो ऐसे वाला सम आपको मेंटल मैथ में आए फिर तो आपने डायरेक्ट लिखना है, आपको पता है ना. अगर वो सम के वे में आए तो यू हैव टू राइट इट इन अ कंप्लीट वे, सिंपल. सो द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, इट्स सक्सेसर इज, एक ऐड कर देंगे वी विल गेट 1000. व्हेन यू विल पोस्ट इन द ग्रुप, इन द आफ्टरनून बच्चे. I will post only classwork's image and video. Solution नहीं होगा. Solution will be in the answer key of homework. Clear हुआ सम? Show me your thumbs if you are clear. Let me see each and everyone. सबके thumb देखूँ मैं पहले, wait करो. हाँ जी अब show करो. अगर किसी को नहीं हुआ then वो down ही रखेंगे, फिर मैं उनसे पूछूंगी आप बताना मुझे कि आपको क्या understand नहीं हुआ. Okay, everyone is showing good. And those जो double double thumb दिखा रहे हैं, it means ज़्यादा clear हुआ,
है ना, और जो हैंड दिखाए इट मीन सबसे ज्यादा। ओके नेक्स्ट करें सम, गुड। सो आई एम गोइंग टू इरेज। Sum number 4. Write the predecessor of, write the predecessor of the smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number. Same है, वहां पे हमने find out किया था successor, जो भी given था उसका, this time we are going to find out the predecessor. करोगे आप बच्चे पहले? And let me know the answer. करो, एक वीर ने मुझे thumbs up show किया, हो गया, इसलिए show किया कि कर लोगे? हो गया, एक वीर का answer लिखो फिर। सबसे पहले हम लाइन क्या लिखेंगे, द प्रीडिसेसर ऑफ द, सॉरी वेट, सबसे पहले हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है? Yes, 1000, क्योंकि 1000 से पहले आता है 999, तो 999 3 होता है, 3 डिजिट का, उसके बाद आता है 1000, वहां से 4 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने करना है इसका प्रीडिसेसर, यस सक्षम, गुड। तो अभी हम इसका करेंगे प्रीडिसेसर, इट्स प्रीडिसेसर इज 1000 माइनस 1, सो यू विल गेट 999, सो इट्स फाइनल आंसर इज 999, क्लियर हुआ? सिंपल। तो हमने पहले ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, 2-digit नंबर, ऐसे कुछ भी, बस उसका हमने फिर प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर लेना है और उसका ही हमने सक्सेसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, कंप्लीटेड। सो ये सम्स थे आज की हमारी क्लास में, तो अभी हम वर्बल इंटरेक्शन करेंगे सम्स रिलेटेड, पहले इसे कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपकी नोटबुक देखूं आपने किया है कि नहीं किया, गेट इट कंप्लीट, गिविंग यू 1 मिनट। जिसका नहीं हुआ हो वो बच्चे चैट बॉक्स में लिख दें, दैट वी नीड टाइम। नो, I need time, Dhankar, करो, I am giving you time, no problem, we have time, इसके बाद हम discussion कर लेंगे, completed.
नाउ शो मी योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर करो आराम से. आईडी विद गुरजोत आप शो नहीं कर रहे, जिनका नेम मैं नहीं ले रही, मोस्टली मुझे शो हो रही है. ठीक है, कृष्णम गाबा आपका भी कैमरा इधर नहीं है. नव्या ने नहीं किया अभी तक. सीरत कौर, मैं सिर्फ उनका नेम ले रही हूँ, बाकी कर दो बच्चे डाउन. आई हैव सीन, वेरी गुड. Yakshit, you have done. Show me your thumbs if you have done. Thumbs up करो अगर हो गया आपका. नहीं हुआ? Okay, completed. इसके बाद भी अगर किसी का रह जाए तो अगेन मैं आपको बोल रही हूं. Okay, so we have done successor and predecessor of फोर डिजिट नंबर या आगे जो भी हमारा था, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट. क्लियर?